हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक शॉर्ट एमपी ट्रिप बनाई थी, तो वहां से हम चले गए थे उज्जैन, इंडियाज मोस्ट होली एंशियंट सिटी। उज्जैन गए थे हम, वहां पे जहां पे हम अपने मासा मासी के साथ थे एंड उनके साथ फिर हमने एक दर्शन किया, दैट इज़ महाकालेश्वर दर्शन, मंदिर का दर्शन किया हमने। ये महाकालेश्वर मंदिर जो है ये भारत की 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो हम हमारी फैमिली के साथ चले गए इस मंदिर का दर्शन करने के लिए एंड जिस दिन हम गए क्राउड काफ़ी थी, काफ़ी भीड़ थी जो कि यूजुअल टेंपल्स में होती है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो काफ़ी भीड़ हमें वहाँ पे मिला। बट द बेस्ट पार्ट इज द मैनेजमेंट कमिटी जो है ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड इन्होंने रखा हुआ था एंड बहुत ही स्मूथ तरीके से हमारी दर्शन हो गए थे। और सिंस हम हमारी मासी मासा के साथ गए थे तो उन्होंने एक VIP पास का अरेंजमेंट किया था। VIP पास के लिए अगर आप वहाँ पे VIP पास लेके दर्शन करते हैं तो बेनिफिट यही होता है कि थोड़े कम टाइम में आप अच्छे दर्शन करके निकल सकते हैं। सो यहाँ पे जो VIP पासेस जो अरेंज किया गया था, द कॉस्ट ऑफ दिस पास वॉज अराउंड 250 रुपीज़। तो उसके लिए हमें काफ़ी जल्दी अंदर दर्शन करने को मिल गए एंड हम लाइन में लग के हम अंदर दर्शन किए। तो इसके बाद हम आ गए ये महाकाल की, आप देख पा रहे हैं ये मंदिर के अंदर एंड दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द टेम्पल। इट्स ए ह्यूज एरिया में ये काफ़ी छोटे छोटे भगवानों के भी और टेम्पल्स हैं। सो हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटा टाइम तो चला गया। सिंस दिस इज़ अ शॉर्ट ब्लॉग आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग टू यू द मेन थिंग व्हाट आई हैव डन। अब ये है देखिए ये अंदर का जो मंदिर है, यहाँ पहले हमने दर्शन किया, ये प्राचीन कालों में पहले यहाँ पे पूजा किया जाता था। सो दिस इज़ द ओल्ड मंदिर। तो हम लोग गए पहले जाके हमने ओल्ड मंदिर पे शिव जी का पूजा किया अच्छी तरह से। काफ़ी पंडित बैठे रहते हैं एंड वो लोग बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली आपको पूजा कराते हैं एंड वो करने के बाद ग्रेजुअली हम प्रस्थान कर रहे थे टुवर्ड्स द मेन मंदिर। आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेन है यहाँ पे, दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मेन मंदिर जहाँ पे शिव जी का ज्योतिर्लिंग रखा गया है एंड यहाँ पे मेन पूजा होती है, यहाँ पे अभिषेक होती है। हर लोग अभिषेक नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऑप्ट करते हैं अभिषेक के लिए तो आप अंदर ज़रूर अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए वो लोग कुछ स्पेशल चार्जेस लेते हैं जो कि 1500 रुपीज़ होती है। हमने वहाँ पर अभिषेक नहीं किया है एंड यहाँ पर मैं देखिए आपके लिए बहुत अच्छा सा शिव जी का मूर्ति मैंने कैप्चर किया है लिंग का एंड यहाँ यही मेन मंदिर है। हमने एक अलग से पंडित जी से थोड़ा फैमिली का पूजा हमने करवा लिया एंड बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से हमारी दर्शन हो गई एंड देन आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा प्रसादी लिया एंड एज अ फैमिली हमने थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए एंड ओवरऑल आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। रात को फिर हमने क्या किया कि हम इस्कॉन मंदिर चले गए, वहाँ का इस्कॉन मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे कीर्तन का माहौल चल रहा था और हमने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भगवान का हमने वहाँ पे भी दर्शन कर लिया। आरती का टाइम था, भोग लग रहा था, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन में जाके। उज्जैन इज़ बेसिकली अ सिटी ऑफ टेम्पल्स और सारा दिन हम और भी मंदिर दर्शन करते रहे, इट वॉज वर्थ द विजिट। तो गाइज इसके साथ मेरी ये मिनी ब्लॉग खत्म होती है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी सीइंग यू सून विद माई न्यू कॉन्टेंट। तब तक के लिए बाय बाय।